धाम अपने चलो भाई। धाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई। काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं पसना, अब ये मनुष्य रूपी तन है, इसमें आप जो काम कर रहे हो, मन से बुद्धि से चित्त से इंद्रियों के घाट पर बैठ करके ये सामान बटोर लो, खेती से, दुकान से, दफ्तर से, इसको रखो उसको, ये करो, मतलब हीरा इकट्ठा करो, सोना चांदी इकट्ठा, मकान और ये सामान, ये सब काम जो कर रहे हो, अब इसमें से कुछ अपना नहीं, अपना कोई काम नहीं, पराए सामान को इकट्ठा कर रहे हो, पराया ये भी है और सामान भी है पराया, इसको इकट्ठा करते हो कैसे, अपना विश्वास छोड़कर, आपको अपनी प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, सब फेंक दो, उसका अनुभव करो कि चले जाओ जंगल में, राजा राज छोड़ के चला जाए, उतना ही उसको मिलेगा जितना पेट है, उसका भाग वो भी है, वो त्याग करके चल दे तो उतना ही खाना मिलेगा, उससे ज्यादा तो खाएगा नहीं, पेट भर गया तो उसको मिलेगा। तब राजाओं ने राज छोड़ा और जंगल में महात्माओं की बात का उन्होंने अनुभव किया तो कहले भाई जो खाना वहाँ खाते तो यहाँ भी मिलता है, पेट वहाँ भी भरते थे पेट, तन ढकते थे तन के लिए मिल जाता, और क्या चाहिए, तो ये तो पराया काम था, वो तो आपकी प्रारब्ध बनी हुई हो तो मिलेगा, तो उस पर विश्वास करो, तो विश्वास तो आपने छोड़ दिया, बटोर रहे हो, दूसरे काम में लगे हुए हो, और आपको करना था अपना काम, तो जो सूरत बैठी है दोनों आंखों के पीछे उसके लिए तो कोई धन इकट्ठा नहीं किया, उसके लिए भी थोड़ा इकट्ठा करते कि भाई अपने लिए भी इकट्ठा करें, मान लो आज समय पूरा हुआ और आप मतलब ये है कि चलो चलो, तो आपके पास क्या है, खाली जाओ, फिर बचाएगा सूरत की हिफाजत कौन करेगा, तो कुछ अपना भी काम करो, अपना भी करो और अपने में विश्वास करो, उसके साथ कर्म करो, जब कर्म करोगे उसके साथ वो फंसोगे नहीं, और जब आपने अपना विश्वास छोड़ दिया उसमें लग गए तो अपना काम छूट गया और अपना विश्वास भी छूट गया और इसमें लग गए और आपका है नहीं, इसमें से कुछ नहीं ले जा सकते हो। बोलो नाम गुरु का संभाले चले, नाम यही है दाम गठबंधना। अब कहते हैं गुरु ने जो नामदान दिया के सूरत घाट पर बैठकर तू इस नाम की कमाई करके धन जमा कर, कहते हैं कि वो करना चाहिए, वो तो असली धन है सूरत का, ये जो धन आप मना रहे हो शरीर का, शरीर आप है नहीं, ये किराए का मकान है, तो किराए का मकान खाली कराया तो सामान भी ये पड़ा और मकान भी ये पड़ा, ये दोनों ही पड़े, इसमें से न ये उसके साथ न वो इसके साथ, तो आप बेकार में इसमें, अरे भाई अपनी कमाई करते वो जीवात्मा का चेतन धन जमा करते, जब जाने का वक्त होता तो फौरन उसकी रक्षा होती, संभाल होती, फिर कोई इधर उधर नहीं ले जा सकता, तो आत्म धन तो आपने जमा नहीं किया, सब सारी कूड़ा कचरा ये सब जमा करते रहे, इधर से दूसरों की ठगी करते रहे,
इधर लूटते रहे उधर लूटते रहे, यही मतलब ये धोखा बेईमानी चोरी करके ये दवाई कूड़े कचरा मवाद है और क्या ये कोई मतलब ये है कि मेरा थोड़ी है। और फिर आप कहते हो उससे हमको सुख मिल जाए। अच्छा जिनके पास में धन है सब कुछ है वो तो आपसे ज़्यादा रो रहे हैं, वो तो आपसे ज़्यादा रो रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं रोते, लेकिन आप उनके बीच में बैठो। वास्तव लोगों में एक दफ़े बहुत दिन हो गए शुरू शुरू में 1952 में जब कलकत्ते गया तो वहाँ एक विक्टोरिया मेमोरियल है उसमें मैदान है, वहाँ जाके चुपचाप बैठ गया। ऐसे बैठा हुआ था, एक आदमी सो रहा था सामने और आराम से बिल्कुल जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था वो। वैसे मैले कुचले कपड़े पहने था तो दो आदमी आए।